नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RBSC विद HSM में। इस वीडियो के माध्यम से हम राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर मुख्य परीक्षा 2019 स्क्रूटनी संबंधी दिशा निर्देशों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं आज का यह वीडियो। जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, राजस्थान विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू मार्ग जयपुर के द्वारा जो नोटिस जारी किया गया है 2019 के संदर्भ में, राजस्थान विश्वविद्यालय पूर्ण गणना हेतु अध्यादेश 157 के तहत ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने संबंधी दिशा निर्देश निम्न प्रकार है। पहला निर्देश, समस्त स्नातक पास ऑनर्स कोर्स स्नातकोत्तर एवं सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्सेज की परीक्षाओं के ऑनलाइन पुनर्गणना आवेदन पत्र विश्वविद्यालय वेबसाइट www.univraj.org द्वारा भरे जाएंगे। तो ये वेबसाइट का नाम क्या है हमारे पास में, www.univraj.org। तो इस पर ऑनलाइन जो पुनर्गणना आवेदन पत्र है वो भरे जाएंगे। दूसरा जो निर्देश इस प्रकार है, पुनर्गणना स्क्रूटनी प्रदत्त अंकों के योग में त्रुटि अथवा किसी प्रश्न अथवा खंड के अमूल्यांकित होने पर आधारित होगी तथा पुनर्गणना स्क्रूटनी के परिणाम स्वरूप अंक बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं और यथावत भी रह सकते हैं। पुनर्गणना शुल्क सत्र 2018-19 के लिए पुनर्गणना हेतु शुल्क ₹150 प्रति पेपर रखे गए हैं, जो चालान पर अंकित होगा। अंतिम तिथि विश्वविद्यालय द्वारा जारी अंक तालिका पर अंकित तिथि से 15 दिवस तक ही पुनर्गणना आवेदन कर सकते हैं। इसके पश्चात संबंधित परीक्षा के लिए वेबसाइट निष्क्रिय हो जाएगा। तो यहाँ पर विश्वविद्यालय द्वारा जो अंक तालिका जारी की जाएगी उस पर एक डेट लिखी होगी, उस डेट के 15 दिवस तक ही हम पुनर्गणना हेतु आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र भरने एवं शुल्क जमा कराने की प्रक्रिया, परीक्षार्थियों को निर्धारित परीक्षा शुल्क ICICI बैंक के माध्यम से जमा कराना होगा। परीक्षा शुल्क एवं परीक्षा फॉर्म की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी। सबसे पहला है, सर्वप्रथम छात्र वेबसाइट www.univraj.org पर विजिट कर अपनी कक्षा से संबंधित ऑनलाइन पुनर्गणना आवेदन पत्र परीक्षा के अनुक्रमांक से भरेंगे। यानी आपके पास जो रोल नंबर होगा परीक्षा का, उस रोल नंबर से हमें क्या करना पड़ेगा, आवेदन पत्र भरना होगा। परीक्षार्थी पुनर्गणना परीक्षा का निर्धारण शुल्क ICICI बैंक के क्रेडिट, डेबिट एवं नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करवा सकते हैं। तत्पश्चात क्रमांक अंकित करके आवेदन पत्र 2 प्रतियों में प्रिंट प्राप्त कर ली। जैसे हमने फॉर्म भर दिया, कंप्लीट कर लिया, उसके बाद में आवेदन पत्र 2 प्रतियों में हम क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे। पुनर्गणना आवेदन फॉर्म की दोनों प्रतियां, शुल्क जमा कराने की रसीद आवेदन फॉर्म की 2 प्रतियां, शुल्क जमा कराने की रसीद तथा मूल अंक तालिका की फोटो प्रति के साथ जमा कराना होगा। तो हमें 3 चीज़ें आवश्यक होगी। सबसे पहले तो क्या होगा, आवेदन पत्र की 2 प्रतियां जो प्रिंट लेंगे हम, उसके बाद में शुल्क की जो कराने की जो रसीद है वो लेंगे, और इसके बाद में मूल अंक तालिका की फोटोकॉपी लेंगे हम। और इन तीनों को कहाँ जमा कराना होगा, विश्वविद्यालय में जो सेंटर है वहाँ पर इनको जमा कराना होगा। पुनर्गणना आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी एवं मूल अंक तालिका की फोटो प्रति जमा नहीं कराने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त माना जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं छात्र या छात्रा की होगी। कहने का मतलब है, पुनर्गणना में जब आवेदन करेंगे
तो आवेदन पत्र पत्र की हार्ड कॉपी जमा होगी, मूल अंक तालिका की जो राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई है वो जमा होगी, और इसके साथ में रसीद की जो शुल्क जमा कराने की जो रसीद है वो भी जमा होगी। एक बार शुल्क जमा होने के पश्चात किसी भी स्थिति में शुल्क वापस नहीं होगा। छठा पॉइंट है हमारे पास में, आवेदन पत्र जमा कराने की प्रक्रिया, तो हम कैसे जमा करा सकते हैं। पुनर्गणना आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी दो प्रतियों में, शुल्क जमा कराने की रसीद एवं संबंधित कक्षा की मूल अंक तालिका की फोटो प्रति, यानी जैसे फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर के साथ आवेदन फॉर्म पर अंकित तिथि तक, आवेदन फॉर्म पर यानी जैसे हम आवेदन पत्र भरेंगे उस पर एक तिथि लिखी हुई मिलेगी, उस तिथि के अंतर्गत यानी जो तिथि है उसके अंदर अंदर ही हमें क्या करना पड़ेगा, आवेदन पत्र विश्वविद्यालय में जमा कराना होगा। तथा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय समय में छात्र सूचना केंद्र सरदार पटेल भवन राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर पर अथवा रजिस्टर्ड डाक द्वारा अनुभाग अधिकारी रिकॉर्ड अनुभाग प्रथम मंजिल कमरा नंबर 205, कमरा नंबर कौन सा है 205, सरदार पटेल भवन राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के पते पर भिजवा सकते हैं। लिफाफे पर पुनर्गणना परीक्षा 2019 हेतु आवेदन पत्र अवश्य लिखे, तो ये वाक्य है पुनर्गणना परीक्षा 2019 हेतु आवेदन पत्र अवश्य अंकित करें। आवेदन फॉर्म की हार्ड कॉपी में मूल अंक तालिका की फोटो प्रति जमा कराने की रसीद अवश्य प्राप्त करें। आवेदन फार्म पर अंकित तिथि के पश्चात आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगी, यानी जिस आवेदन पत्र है उसके ऊपर एक तिथि लिखी होगी उसके पश्चात आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे। तो इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से हमने राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर मुख्य परीक्षा 2019 के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की तथा ये जानने का प्रयास किया कि हम पुनर्गणना स्क्रूटनी जो फॉर्म है वो कैसे भर सकते हैं। तो यहाँ तीन चीज़ें हैं जो ध्यान देने वाली हैं। सबसे पहले वेबसाइट कौन सी हमारे पास में, www.uniraj.org होगी। दूसरी क्या स्थिति हमारे पास में कि पुनर्गणना में प्रदत्त अंकों के योग में त्रुटि है उसके बारे में, या अमूल्यांकित यानी कोई प्रश्न वो चेक नहीं हुआ उसके बारे में हम गणना करा सकते हैं, अंक इसमें बढ़ और घट सकते हैं या यथावत भी रह सकते हैं। जो फार्म की जो शुल्क है प्रति पेपर वो कितना है 150 रुपये होगा, और हम कब करा सकते हैं स्क्रूटनी, हम करा सकते हैं विश्वविद्यालय द्वारा जो अंक तालिका जारी की गई है उस पर एक तिथि अंकित होती है उसके 15 दिवस के भीतर भीतर हम स्क्रूटनी या पुनर्गणना करा सकते हैं। इसके बाद बैंक कौन सा हमारे पास में, ICICI बैंक है, उस पर हम जाकर अपना जो शुल्क है प्रति पेपर का वो हम आसानी से जमा करा सकते हैं। छात्र को जो वेबसाइट है उस पर जाकर लिंक, वेबसाइट का जो लिंक है वो वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी दिया गया है, तो आप डायरेक्ट लिंक के थ्रू वहां जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न रहता है या किसी प्रकार की कोई शंका रहती है तो आप कमेंट्स के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, तब तक बने रहे RBC with HSM के साथ। जय हिंद, जय भारत।